अब अधिकतर युवाओं का सपना आईएएस अधिकारी बनना हो गया है। इसके लिए बच्चे स्कूल लाइफ से ही सोचना शुरू कर देते हैं। देश भर के युवा अब अपने सपनों को पंख देने के लिए दिल्ली और बेंगलोर जैसे बड़े महानगरों की उड़ान भरते हैं। वहीं पिछले 5 सालों में शहर के युवाओं के चयन में वृद्धि भी देखने को मिली है और हाल ही में जारी किए गए रिजल्ट में भी शहर के युवाओं ने सफलता का कीर्तिमान हासिल किया है। यूपीएससी में युवाओं का चयन अब तक न के बराबर हुआ करता था, क्योंकि शहर में उच्च शिक्षण संस्थान का अभाव था। इससे अभ्यर्थी केवल राज्य स्तरीय परीक्षाओं की ही तैयारी कर पाते थे, लेकिन अब इस मामले में शहर में परिवर्तन देखने को मिला है। अब हर साल 4 से 8 सिलेक्शन तक सिविल सर्विस में चयनित युवा नजर आते हैं। वहीं शहर के नौजवान अब यूपीएससी की तैयारी के लिए देश के दूसरे शहरों में भी जाने से नहीं हिचकते। शहर के अभ्यर्थी कोचिंग के लिए देश की राजधानी दिल्ली समेत साइंस सिटी बेंगलुरु और चेन्नई को अधिक पसंद करते हैं। यूपीएससी की तैयारियों में जुटे अर्थर्व अग्रवाल का कहना है कि यूपीएससी क्रैक करना उनका सपना है, इसीलिए वे दिल्ली में इसकी कोचिंग करेंगे ताकि इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सर्विस में भी चयन हो जाए। इस बार सिविल सर्विस में लड़कियों ने बाजी मारी है। श्रुति शर्मा समेत देश की 2 और बेटियों ने यूपीएससी टॉप कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं शहर में भी इस बार बेटी ने ही परचम लहराया है। जेएनकेबी से बीएससी कर चुकी सोनाली परमार का चयन भी यूपीएससी में हुआ है। उन्होंने ऑल इंडिया 187 भी रैंक हासिल की है। 22 वर्षीय सोनाली ने प्रथम प्रयास में ही ये सफलता हासिल की है। विराजेंद्र प्रसाद परमार असिस्टेंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर की बेटी हैं। उनकी मां अर्चना परमार का भी इस कामयाबी में अहम योगदान रहा है।